धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई बाटी का क्या धुप है स्वामी मानस की गत एही तेरे दरबार दी शोभा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावां तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावां तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावां दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा बचन अमोलक साइया हिरदे वसाई जावा बचन अमोलक साइया हिरदे वसाई जावा फिर देव साई जावा बचन अमोलक साइया फिर देव साई जावा बचन अमोलक साइया फिर देव साई जावा बचन अमोलक साइया फिर देव साई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा जो भी कुछ मिलता इत्थों झोली विच पाई जावा जो भी कुछ मिलता इत्थों झोली विच पाई जावा कुछ मिलता इत्थों झोली विच पाई जावा कुछ मिलता है तो थोड़ी बिच पाई जावा जो भी कुछ मिलता है तो थोड़ी बिच पाई जावा जो भी कुछ मिलता है तो थोड़ी बिच पाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार दी शोभा हर दम मैं गाई जावा तेरे दरबार हर दम मैं गाई जावा वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
फिर कर वैसो हो। हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, थिर कर बैसो हो। हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब बस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपौ होए भजहो भगवान, निरपौ होए भजहो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, ओ ता कदे भी ना हारदा, जिस दे वल होवे प्यारा, कदे भी ना हारदा, जिस दे वल होवे प्यारा, कदे भी ना हारदा, जिस दे वल होवे प्यारा, ओ ता कदे भी ना हारदा, जिस दे वल होवे प्यारा, कदे भी ना हारदा, जिस दे बल होवे प्यारा, ओ ता कदे भी ना हारदा, जिस दे बल होवे प्यारा, ओ ता कदे भी ना हारदा, जिस दे बल होवे प्यारा, कदे भी ना हारदा, जिस दे वल होवे प्यारा, बिना हारदा, जिस दे वल होवे प्यारा, ओ तक दे बिना हारदा, जिस दे वल होवे प्यारा, कदे भी ना हारदा, जिस दे बल होवे प्यारा, ओ तक दे बिना हारदा, जिस दे बल होवे प्यारा। परम सम्मान योग युग युग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। दोवें हाथ जोड़ के मेरे सतगुर नूं सीह चुका के सब माई भाई बुलंद आवाज विच आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी रहमत होई साडे सत्कार योग गुरु करते पूर्ण शरदा भरोसा विश्वास रखण वाले तहसीलदार दर्शन सिंह जी और इन्हां दा छोटा वड्डा सारा ही परिवार, इस परिवार ते मालक ने हर तरह करके बहुत वड्डी बख्शिश कीती है। सतगुर दी कृपा रहमत होई, जो जो मालक ने बख्शिशां कीतियां सरकारी दरबारे मान इज्जत समाजिक तौर ते भी सेवावां करके इस परिवार ने
मान सत्कार हासिल कीता ते नाल नाल धार्मिक तौर ते भी असी तह दिलों इन्हां दा धन्नवाद करदे आ जो हर साल अपने घर विखे भी मालक दा शुकराना करदे है। बार भी कोई दिन दिहाड़ा आ जाए अपने वितों वध के धर्म स्थानां दी सेवा ते समाज दी सेवा कर दे। सो इस बार भी मालक दी किरपा नाल सेवक परिवार दा मन बनिया, क्योंकि कीता नहीं जा रहा उहदी किरपा नाल ही हो रहा। गुरु साडे विच तां जपजी साहब दे विच महाराज कह गए, कहिंदे ना बोलन दी कोई समर्थ है, ना कुछ करन दी समर्थ है, ना जिउण दी समर्थ है, ना मरण दी समर्थ है, ना सुनन दी समर्थ है, ना कुछ बोलन दी समर्थ है। जोर ना जीवन मरण ना है जोर, ये पौड़ी सब कुछ दसता महाराज। कुछ वो भी है जेड़े चाहते ने कि असी भी इदा का कार्य करते रहिए पर नहीं कर सकते। गुरु कुछ वो ने महाराज कोई ना कोई विध बना धर्म कार्ज उन्हों तो करा ही लेंदा। ये भी जपजी साहब की दूसरी पौड़ी विच महाराज ने लिखता, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई है। ये जिहड़ा एक ना शब्द है ना, इहदा मतलब है भी कईआं ते महाराज ने किरपा कीती बख्शिश करके अपने नेड़े ला लिया गुरु, ते कई वो ने जिहड़े कम ही उहे जे करदे आ बस भटकणा च ही समा लंघ जांदा है। आखो सतनाम। सो मालक दा शुकराना है। ते ये भी अरदास है कि महाराज जिमें इस परिवार ते किरपा कीती है, राजनीतिक तौर ते, समाजिक तौर ते, परिवारक तौर ते और धार्मिक तौर ते यह जी बख्शिश सब ते करियो। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु। देखो आपां कहने आ नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा पला, ते सरबत दे विच तां साडे दुश्मन भी आ जांदे आ गुरु। कि महाराज जिहड़े दुनिया अज कुराहे पई होई है ना, गलत विचारां गलत सोच गलत कर्म हो रहे है, उन्हां ते भी मेहर करो, चंगे पासे लाओ ताकि वह भी इस संसार नूं सोहना बनाउण वास्ते कुछ योगदान पा सकन। यही गल ते गुरुआं ने जोर दिता है। सतगुर कबीर जी, सतगुर रविदास जी, सतगुर सैन जी, सतगुर नामदेव जी, सतगुर फरीद जी, सतगुर जयदेव जी, सतगुर पीपा जी, सतगुर सूरदास जी, सतगुर त्रिलोचन जी, सतगुर जयदेव जी, सतगुर बेणी जी, सतगुर सैन जी, ये 15 भगत है महापुरश जिन्हां नूं महाराज ने अपने बराबर बिठाया सत्कार दिता। गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद देव महाराज, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, श्री गुरु हर राय साहब जी, श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी, ते हुण मौजूदा गद्दी ते विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, इन्हां सब की जिहड़ी विचार है ना, सोच है, वो ये है कि जिहड़े गलत राहे चले कुराहे चले उन्हां नूं किवें ना किवें सीधे राह ते लियाईए, चंगयाई च वाधा होवे, ते जिहड़े कर्म वो गलत करदे है उन्हां नूं रोकीए। आखो सतनाम श्री वाहे गुरु।
सज्जन ठग कोल भी पातशाह जांदे है, कौडे राक्ष कोल भी जांदे है, पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब तक समझाउंदे ही रहे गुरु। ऐसा ज्ञान दा दीपक बालिया जिहदा चानण संसार दे कोने कोने च होया, पर कुछ हनेरियां ऐसियां भी उठियां जिहड़ियां इह सच दी जोत नूं, जिहड़ा बाणी च लिखिया है ना, बलिओ चिराग अंधियार मह सब कल उधरी इक नाम तन। ये चारे पासे चानण करन वाला जिहड़ा ज्ञान दा चिराग गुरबाणी इस जग मह चानण, इहनूं बुझाउण वास्ते भी कोशिशां शुरू हो गईआं। फिर छेवें पातशाह नूं जंग युद्ध भी करने पए, पर एक गल कमाल दी वेखो, पहिदे खां अनाथ बच्चा सी, उहनूं पालिआ छेवें पातशाह ने अपने सपुत्रां नालों वध के उहनूं प्यार दित्ता, सत्कार बहुत करदे, पर वह होमे च आ गया, गुरु महाराज ती फौज चढ़ा लिया। चलो जंग युद्ध होए, जलंधर जिले च करतारपुर साहब पैंदा है, उत्थे लड़ाई हुंदी च गुरु महाराज दे हत्थों मारिया गया। डिगदा होया कहिंदा, हाए अम्मा, मेरे महाराज फिर भी कहिंदे है अम्मा नूं याद करन दा समा नहीं, अल्लाह नूं याद कर, तेरा भला हो जे, आखो सतनाम। पर कहिंदे मैनूं दुख है, मरदा मरदा कहिंदा जी थोनू कादा दुख है। पातशाह कहिंदे दुध मक्खणा दे नाल तैनू पालिया सी, पर तेरी माड़ी सोच करके अज तैनू मारना पै रहा, जोधा तकड़ा है, पर यह गलत सोच सानू पसंद नहीं, आखो सतनाम। देखो बुराई नू मारिया, बंदे नू नहीं सी मारना चाहते, जेडे शरदा रखते सी सैद खां वर्गे भी है, हत्थां चो तलवारां महाराज ने फड़ियां, कहिंदे तलवार सोहनी चलाउना आ, लै फड़ माला फेरिया कर। उहदे पिछे एक सोच सी, पीर बुद्धू शाह ने वेखो बहुत वड्डी कुरबानी कीती, जदों पौंटा साहिब पंघाणी युद्ध होया उत्थे 500 सेवक लैके पीर बुद्धू शाह आया सी, 335 उन्हां चों उत्थे शहीद होए। पीर बुद्धू शाह दे दो पुत्तर शहीद होए, एक भरा भूरे शाह, ते महाराज खुश हो के कहिंदे, पीर जी तुसीं वड्डी कुरबानी कीती है, तुहाडे पुत्तर भी शहीद हो गए, 335 सेवक थोड़ा इस युद्ध च शहीदी पा गया, कोई इच्छा दस दिओ की चाहीदा दे दईए अज। हथ बन के महाराज नूं पीर जी ने बेनती की, महाराज तुसी हुण केसां नूं कंघा कर रहे हो ना, जे खुश हो मेरे पुत्रां दी ते मेरे सेवकां दी शहीदी ते, मैनूं केसां समेत कंघा ही दे दोगे। देखो कीमत की मंगी, पातशाह कहिंदे कोई राज भाग मंगदे, माया मंग लेंदे, कोई जायदाद मंग लेंदे, इहदा की करोंगे। ते पीर जी कहिंदे, महाराज जदों मैं इहनां चीज़ां नूं वेखांगा ना, मैनूं थोड़ी याद रहू, आखो सतनाम। आही चीज़ है, असल विच धर्म स्थान बहुत ने, घरां च भी आपां बहुत कुछ करदे हां, पर साडी याद चो रब भुल गया गुरु। गुरु घर का जिहड़ा सिधांत सी वह तो यह सी, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल, कहिंदे हत्थां पैरां नाल कम कर, भावें कोई प्राइवेट किता करदा है, दुकान कर रहे हैं, कोई सरकारी दरबारे मान इज्जत बन गया, नौकरी मिल गई, कोई भी कम करदा उदों ये सोच के चली कि परमात्मा की दरगाह च लेखा होना है, मेरे हत्थां तो ओहे जा कम ना होवे जेड़ा मेरे लिए जा मेरे परिवार लिए दुख दा कारण बने, आखो सतनाम। ये सोच जरूर होनी चाहिए, ये सिद्धांत है गुरु घर दा। गुरु
ते जे भुल गए फिर महाराज कोले बड़ियां विधियां है, सुधार तां उन्हें देना ही है क्योंकि परमात्मा नूं चंगियाई पसंद है। गुरमुख सच्चाई ते सफाई जिथे मिल जान उत्थे ही आनंद हुंदा है। लो आपां गुर इतिहास दी विचार शुरू करांगे। पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस कलयुग दे जीवां नूं शांति देण वास्ते एक बाणी उचारी जिहदा नाम है सुखमनी साहिब। ਉਹ ਤਾਂ ਉਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ ਜਿਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਅਤੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। फिर गुरु अर्जन देव साहब ने बेनती प्रवान कीती कि कलयुगी जीव है, उमरां थोड़ियां, समा थोड़ा है, जिम्मेवारियां बहुत है, इन्हां नूं निभाउणा भी हुंदा है। फिर महाराज कहिंदे लो भाई एक पाठ उचारदे हां आपां श्री सुखमनी साहब का। एक पाठ सुखमनी साहब का पढ़ लो जां सुन लो, थोड़े 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੀ, ਲਓ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚਾਰੀ। ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹੈ। 262 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਣਾ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਆਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਮੀਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ,
पर जेड़ा बचन जपजी साहब च लिखिया ना धौल धर्म दया का पूत ओ दया नहीं सी उन्हां च आखो सतना किसे दे ही नहीं बने गुरमुख। हुण आपां परिवारक बैठे हाँ गृहस्थी बंदा कोई कार्ज करना चाहुंदा होवे घरवाली कहे भी नहीं ये गलत है तुसी रहन दिओ आपां मन लैने ना कि हुण जिहड़ी वजीदे दी इक बेगम सी जैना उन्हें उन्हों कहा सी कि गुरु के लाल निके निके आ इन्हां ते का तो जुल्म कर दे तुसी इन्हां नू मारो ना छड़ दे जे तुसी इन्हां नू कोई दुख तकलीफ दित्ती मैं भी अपनी जान दे दूं। पर वजीदा कित्थे मनन वाला सी क्योंकि जालम किसे दे नहीं बनदे हुंदे उन्हां नू तां आपदे सुख तक मतलब हुंदा गुरु ते जदों साहबजादियां नू ते माता जी नू शहीद कर दिता गया वह जिहड़ी बीबी जैना सी ना जैना बेगम वजीदे दी महल तो छाल मार के वह भी अपने शरीर का त्याग कर गई आखो सतना। सो सानू चाहीदा है जिथे असी गुरु के लाला नू सिंघां नू याद करदे आं उन्हां नू भी चेते करिए सच्चे सुची आत्मा सी गुरमुख। ते अज देख लो फिर बीबी जैना नू भी सत्कार दिता जांदा वजीदे नू नहीं सत्कार मिलिया नाम निशान खत्म हो गया गुरमुख क्योंकि एक तो टुटे हुए सी। महाराज कहिंदे परमेश्वर इको ही है उहदे नाल जिन्ना चिर नहीं मिलदा प्यारिया भटकदा रहेगा ते जदों उस मालक दे नाल जुड़ेगा भटकना टिकूगी। पर यह किवें हो सकदा सब कुछ सतगुर प्रसाद तेरा कोई गुरु होवे होवे भी गुरु सच्चा प्रसाद तो मतलब है कृपा गुरु कृपा करे राह दसे ते साडा परमेश्वर नाल मिलाप हो सकदा है खो सतना। इसे करके गुरु अर्जन देव महाराज ने पहला परमात्मा नू आराध्या श्लोक दे विच की लिखदे हन आदो गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है। नम है तो भाव हुंदा है नमस्कार। पातशाह कहिंदे मेरी आद गुरु नू पहला नमस्कार है मुढ़ले गुरुआं नू गुरु नानक पातशाह नू पहला नमस्कार है फिर जुगाद गुरे नम है जेड़े उदू बाद गुरु होए उन्हां नू भी असी नमस्कार करदे हां। सत गुर ए नम है श्री गुरदेव ए नम है। कहिंदे मेरे सतगुरु गुरु रामदास महाराज वो पिता भी ने ते गुरु भी ने भाग होआ गुरसंत मिलाया प्रभ अविनाशी घर मह पाया। जिन्हां दे माता पिता धार्मिक होण फिर बच्चियां नू भी इदां चाहीदा उन्हां दा शुकराना करिए कि साडे पिता माता गुरु भी ने साडे माता पिता भी आया खो सतना। ते जेड़ा सेवा सिमरन नाल जुड़िया वह सदा वास्ते अमरी हुंदा गुरमुख। महाराज कहिंदे घरे ही परमेश्वर मिलिया घरे ही रब मिलिया आद गुरे नम है जुगाद गुरे नम है सतगुरे नम है श्री गुरुदेव नम है। कहिंदे मैं परमात्मा नू भी नमस्कार कर रहा गुरु नानक साहब नू ते उन्हां तो बाद च होए गुरुआं नू भी असी नमस्कार करते हाँ। अष्टपदी हुण शब्द है अष्टपदी 24 अष्टपदियां ने श्री सुखमनी साहब दियां ते अष्टपदी दे विच अठ पार्ट बनाए हिस्से बनाए असी गुरमुखी दे विच पद कहने उहनूं। इह अष्टपदां दी इक वड्डी रचना कह दो कीती है सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। पातशाह कहिंदे जेड़े परमात्मा दा असी जिक्र कीता है ना गल कर रहे हैं ये नहीं भी सुन के बड़ा चंगा लग्या जी असी छड़ दिए भाई आप भी उहदा सिमरन करना है उहनूं याद करना है चेते करना है उहदा सिमरन करो ते सुख पा लो। महाराज कहिंदे
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਪਤਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹੈ ਸਮਝਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਮਨ ਮੂਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਸੁਖੀ ਬਸੇਗਾ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਿਣਤ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਿਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਭਾਈ ਹਰਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ। 17ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੌਵੇਂ ਭੁੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਭਰਿਆ, ਗਲਾਸ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਸੰਤ